बबलू एक प्यारा और जिज्ञासु बच्चा अपनी छोटी दुनिया में हमेशा कुछ नया खोजने की कोशिश में रहता है। उसकी मासूमियत और उत्सुकता उसे सबका प्यारा बना देती है। आज हम उसकी एक नई कहानी सुनने जा रहे हैं। मीना दीदी, देखो मैंने मोमो के लिए ये पत्ते तोड़े हैं। बहुत अच्छे बबलू, लेकिन मोमो को क्या ये पत्ते पसंद है? पता नहीं, चलो मोमो से पूछते हैं। दोनों मोमो के पास जाते हैं। मोमो पत्तों को सूंघता है और मस्ती में कूदने लगता है। मोमो को तो ये पत्ते बहुत पसंद आए। याए, मैं दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। बबलू, जंगल में शोर मत करना, जानवरों को डर लग सकता है। ठीक है दीदी। रास्ते में बबलू को एक तोता दिखाई देता है। दीदी देखो, वो तोता कितना सुंदर है। हाँ बबलू, ये तोता अपने दोस्तों के साथ रहता है। बबलू मोमो के साथ खेलते खेलते मीना से दूर चला जाता है। ओह, मैं कहाँ आ गया? मीना दीदी, जंगल के जानवर बबलू को देखते हैं। एक बंदर पास आता है। अरे तुम कौन हो? मैं बबलू हूँ, मैं अपनी दीदी को ढूंढ रहा हूँ। जानवर बबलू की मदद करते हैं और उसे मीना तक पहुँचा देते हैं। बबलू और मीना घर लौटते हैं। मम्मी दोनों को देखकर खुश होती है। बबलू तुम बहुत बहादुर हो। और मुझे नए दोस्त भी मिले मम्मी। मोमो खुशी से कूदता है और पूरा परिवार हंसने लगता है। टाइटल: दोस्ती और परिवार सबसे बड़ी ताकत है। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट: